हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। और ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे एयर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नॉर्मली अकर्स नियर द। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ पे होती है? ये होती है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में लाई करती है ITCZ। तो ये कहाँ पे होती है? नियर द इक्वेटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स है, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। और ये होते कहाँ पे हैं? यूजली 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे लाई करते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डिप्रेशंस मोर रेडली डेवलप्स इन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस, दीज जोन्स आर कॉल्ड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तो डिप्रेशन अटलांटिक ओशन में बनता है, एक बनता है पैसिफिक ओशन में। तो इस डिप्रेशन को बोलते क्या है? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लो प्रेशर का यहाँ पे डिप्रेशन बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसलैंडिंग लो, जो कि अटलांटिक ओशन में बन रहा है। ये क्या है? ये है अटलांटिक ओशन वाला ये सारा एरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन बन रहा है, इसको बोलते हैं आइसलैंडिंग लो। और ये जो पैसिफिक ओशन में बन रहा है डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एलुशियन लो। ये रहा एलुशियन लो पैसिफिक ओशन में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, द आइसलैंडिंग एंड एलुशियन। नेक्स्ट, इन समर्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल लो प्रेशर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द पैटर्न ऑफ मॉनसून। समर्स में कॉन्टिनेंट्स पे जो लो प्रेशर एरिया बनता है, इस लो प्रेशर एरिया जो है ये मॉनसून पैटर्न को अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे अफेक्ट करता है? अगर कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर एरिया बनेगा तो सी से कॉन्टिनेंट्स की तरफ जो विंड्स है वो ब्लो करेगी। सी से कॉन्टिनेंट्स की तरफ विंड ब्लो करेगी तो उससे क्या है, वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएगी और कॉन्टिनेंट्स पे बारिश करेगी। तो ये कौन कौन से एरियाज के मॉनसून को अफेक्ट करता है? एक तो अफेक्ट करता है इंडिया के वेदर को, और दूसरा अफेक्ट करता है साउथ सदर्न एशिया के वेदर को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट असर्शन, अ लार्ज लैंड मास ऑफ अमेरिकास एंड एशिया बिकम मच वार्मर इन समर एंड मच कोल्डर इन विंटर। अमेरिका और एशिया, यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इफ़ेक्ट आ जाता है कॉन्टिनेंट्स का। अमेरिका और एशिया की बात करें तो इसके आसपास जो ओशन है वो बिल्कुल आसपास नहीं है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में समर्स ज़्यादा वार्म होती है, विंटर्स ज़्यादा कोल्ड होती है। क्योंकि जब जो लैंड मास है, लैंड मास एकदम से ठंडा होता है, एकदम से गर्म होता है, इसीलिए एक्सट्रीम में टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गर्मियों में एकदम टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि लैंड जो है वो हीट को अब्सॉर्ब करती है, और जैसे ही ठंड होती है तो हीट लॉस होती है, जिसकी वजह से ठंड भी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। तो रीज़न यहाँ पे क्या दे रखा है, लैंड गेन्स एंड लॉसेस हीट मच क्विकली देन सी वाटर। तो रीज़न यहाँ पे बिल्कुल सही वाली स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इफ़ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अ वेरी लो टेम्परेचर ओवर पोलर रीजन मेक्स द एयर हैवी फोर्सिंग इट टू डिसेंड। अब पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो मतलब हवा ठंडी होती है, हवा वहाँ पे ठंडी होएगी तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर रीजन बनेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है, वहाँ पे जो एयर है वो क्या है, डिसेंड करेगी, मतलब कि नीचे की तरफ आएगी, हवा ठंडी होएगी नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन बन जाएगी वहाँ पे, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट डेजर्ट्स आर फाउंड इन। हॉट डेजर्ट्स कहाँ पे है, ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बनते हैं हॉट डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होएगी, जहाँ पे वहाँ पे क्या होएगी, हवा ठंडी होएगी, डिसेंड करेगी, डिसेंड करेगी तो कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होएगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होएगी तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होएगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होएगी तो क्या होएगी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन जाएगी। नेक्स्ट,
द सी हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट देन लैंड. स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है कि ऑब्जेक्ट कितनी हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है. तो सी की जो स्पेसिफिक हीट है वो लैंड से ज़्यादा होती है. सी ज़्यादा टेम्परेचर को अब्सॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू लैंड. तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है. रीजन द सी हैज़ ए ग्रेटर कैपेसिटी फॉर अब्सॉर्बिंग हीट देन द लैंड, सो द सर्फेस ऑफ द सी वार्म्स अप स्लोअर देन द लैंड सर्फेस. सी ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करता है, सी की जो हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए जो सी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और जो लैंड है वो एकदम से गर्म होती है और एकदम से ठंडी होती है. सी सरफेस क्या है? वार्म्स अप होता है धीरे धीरे, और लैंड सरफेस क्या है? जल्दी जल्दी गर्म होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब करता ही नहीं है. वो जितनी भी हीट उसने मैक्सिमम अब्सॉर्ब करनी होती है वो फटाफट से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो गर्म हो जाती है लैंड. लेकिन जो सी सरफेस है वो ज़्यादा हीट अब्सॉर्ब कर सकता है, इसीलिए धीरे धीरे वो वार्म अप होता है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है. तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, अ सी ब्रीज फ्रंट इज अ वेदर फ्रंट क्रिएटेड बाय सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होती है? सी ब्रीज होती है वो हवा जो सी से लैंड की तरफ चलती है, सी से लैंड की तरफ जो विंड्स ब्लो करती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज. और सी ब्रीज को और क्या बोलते हैं? सी ब्रीज को कन्वर्जेंस जोन भी बोला जाता है. नेक्स्ट, वन ऑफ द टू बेल्ट्स ऑफ हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट आर सेंटर्ड इन द मीन नियर 30 degrees नॉर्थ एंड 30 degrees साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड. 30 degrees नॉर्थ एंड 30 degrees साउथ लैटिट्यूड पे जो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स होती है उनको और क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर हॉर्स लैटिट्यूड भी इनको बोला जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इज आर करेक्ट. लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज होता है जब विंड्स लैंड टू सी ब्लो करती है, सी ब्रीज होता है जब विंड्स ब्लो करती है सी टू लैंड, उसको बोलते हैं सी ब्रीज. तो इसमें ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट में अ लैंड ब्रीज इज क्रिएटेड व्हेन द लैंड इज कूलर देन द वाटर. अब देखो लैंड ब्रीज में जो विंड्स है वो लैंड टू सी चल रही है. ठीक है, तो लैंड कूलर होएगी, लैंड कूलर होएगी. अगर लैंड कूलर होएगी तो वहां पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, राइट. और वाटर का टेम्परेचर कम है, वाटर गर्म है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा. लो प्रेशर बन जाएगा तो यहाँ पे जो विंड्स है वो ऊपर को उठेगी, लाइट होएगी, ऊपर को उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए लैंड से जो हाई प्रेशर से विंड्स है वो सी की तरफ ब्लो करेगी. लैंड टू सी यहाँ पे जो हवा है वो चलेगी, जिसको बोलते हैं लैंड ब्रीज. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है. सेकंड क्या है? यूजुअली लैंड ब्रीजेस आर लाइट एंड रीच ओनली 8 to 8 knots. तो सेकंड वाली भी करेक्ट स्टेटमेंट है. लैंड ब्रीज जो होती है वो ज़्यादा इसका वेट नहीं होता, ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, तो इसीलिए इसका वेट कम होता है और ये 8 to 5 to 8 knots तक चली जाती है, 5 to 8 knots की हाइट तक चली जाती है. थर्ड क्या है? सी ब्रीज इज क्रिएटेड व्हेन सरफेस ऑफ द लैंड इज हीटेड सफिशिएंटली टू स्टार्ट एयर राइजिंग. सी ब्रीज मीन्स सी टू लैंड चल रही है. ठीक है, एयर सी टू लैंड चल रही है तो मतलब कि जो लैंड का सरफेस है वो गर्म है, जो लैंड का टेम्परेचर है कम है, लैंड पे लो प्रेशर है, लैंड पे लो प्रेशर है और सी पे क्या है? हाई प्रेशर है. सी पे अगर हाई प्रेशर होएगा तो विंड्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? हाई टू लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से जो लैंड पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो विंड्स ऊपर को जाएगी, ऊपर को जाएगी तो यहाँ पे जो खाली स्पेस है इसको भरने के लिए सी से जो हाई प्रेशर, जो सी पे हाई प्रेशर है वहाँ से जो विंड्स है वो लैंड की तरफ चलना शुरू करेगी, जिसको बोलते हैं सी ब्रीज. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है. सी ब्रीजेस टेंड टू बी मच स्ट्रॉन्गर एंड कैन प्रोड्यूस गस्टी विंड्स. अब जो सी ब्रीज होती है, सी ब्रीजेस जो सी से हवा चलती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है जो सी से आती है. तेज़ हवाएं होएगी तो मतलब अपने साथ आंधी वगैरह लेकर आएगी. बहुत तेज़ हवाएं चलेगी तो वो क्या होएगी? आंधी बन जाएगी. क्यों? क्योंकि जो लैंड है ना, लैंड क्या होता है? लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है एकदम से, जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो गर्म हो जाएगा. गर्म हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट होएगा. जितना ज़्यादा लो प्रेशर लैंड पे बनेगा उतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स आएगी सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड्स की तरफ
स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेगी तो उसको क्या बोलते हैं, गास्टी विंड्स, जो जिसको आंधी बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही राइट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर करेक्ट। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के रिगार्डिंग यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दे रखी है। लैंड एंड सी ब्रीज आर विंड्स एंड वेदर फिनोमेना। लैंड सी ब्रीज है क्या, ये वेदर फिनोमेना ही तो है, कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड है, कोस्टल एरिया के पास ही सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती है। अगर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट देखें तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में तो क्या होएगा, कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट की तरफ ही एयर मूव कर रही है। अगर सी से कहीं दूर, सी से आ भी रही है तो अपने साथ कोई मॉइस्चर वगैरह तो वो लेकर आएगी नहीं, ड्राई विंड सी चलेगी वहाँ पे। तो इंटीरियर में नहीं होता ये फिनोमेना, ये कोस्टल एरियाज में ही फिनोमेना होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर सरफेस। अब लैंड एंड वाटर सरफेस का अगर टेम्परेचर अलग अलग होएगा तभी तो लैंड और सी ब्रीज ब्लो करेगी ना। अगर सेम टेम्परेचर हो जाएगा तो हवा चलेगी ही नहीं। तो टेम्परेचर अलग अलग होएगा तो उस अकॉर्डिंग लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन बनेगी, लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन बनेगी तो विंड्स ब्लो करेगी हाई टू लो प्रेशर। नेक्स्ट, लैंड एंड सी ब्रीज पैटर्न कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल्यूशन अकमुलेशन। अब देखो लैंड ब्रीज चल रही है या सी ब्रीज चल रही है तो ओवरऑल हवा तो चल ही रही है ना, विंड्स की मूवमेंट तो हो ही रही है। विंड्स की मूवमेंट होएगी तो जो भी फॉग होएगा या पोल्यूशन होएगा इन्वायरमेंट के में वो क्या है, डिस्पर्स हो जाएगा इधर उधर, क्योंकि हवा चलती है तो जो भी स्मोक है, पोल्यूशन है या फॉग है वो डिस्पर्स हो जाता है विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो यहाँ पे चारों की चारों, सॉरी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट असर्शन, द हॉर्स लैटिट्यूड्स आर द रीजन बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स। हॉर्स लैटिट्यूड कहाँ पे होता है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पे आता है हमारा हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे हॉर्स लैटिट्यूड है, इसकी एक तरफ क्या है ट्रेड विंड्स और दूसरी तरफ क्या है वेस्टर्ली, जिसको प्रवेलिंग वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोरल सेल, पोलर सेल। लेकिन ये जो हॉर्स लैटिट्यूड और इक्वेटर के बीच में सेल बनता है इसको क्या बोलते हैं, हेडले सेल बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हो। वैसे जो हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन है वो कौन सा है, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज के बीच वाला रीजन है। रीजन, इन दिस रीजन द विंड्स आर ऑफन लाइट और कम एंड वर सो नेम्ड बिकॉज शिप्स वुड ऑफन हैव टू थ्रो देयर हॉर्सेस ओवरबोर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ फीड एंड वाटर। अब देखो रीजन जो है असर्शन का रीजन नहीं है, बट रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो राइट स्टेटमेंट है। ये जो हॉर्स लैटिट्यूड वाला 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही लाइट विंड्स होती, बहुत ही काम कंडीशंस होती है। काम कंडीशंस होती है मतलब विंड्स की ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे होती नहीं है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो शिप्स होते थे वो स्पेन से वेस्ट इंडीज जाते थे। जब स्पेन से वेस्ट इंडीज तक शिप्स जाते थे, स्पेन और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हॉर्सेस का ट्रेड होता था, तो शिप्स के थ्रू होता था ट्रेड। स्पेन से जो शिप्स जाते थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ, उसके बीच में बहुत सारे हॉर्सेस होते थे क्योंकि हॉर्सेस का ट्रेड होता था। तो होता क्या था, जब ये शिप यहाँ पे पहुँचते थे ना हॉर्स लैटिट्यूड वाले रीजन में, तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत ही काम कंडीशन होती थी, विंड्स की ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी, ओशन वाटर की मूवमेंट नहीं होती थी। तो उससे क्या, कई बार बहुत दिनों तक शिप एक ही जगह पे वहीं पे टिका रहता था। तो उससे क्या होता था, उससे उनके पास जो भी खाना पीना होता था, पानी होता था, वो कई बार ख़त्म होने पे आ जाता था, बहुत कम रह जाता था। तो इसीलिए जो सेलर होते थे वो क्या करते थे, शिप में से कुछ हॉर्सेस को नीचे जो ओशन होता था ओशन में गिरा देते थे, सो दैट कि कम से कम जो बाकी के आधे बचे हुए हॉर्सेस हैं उनके लिए फीड और वाटर बच जाए, और कम से कम आधे हॉर्सेस को तो वो वेस्ट इंडीज तक पहुंचा पाए। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला रीजन है, क्योंकि बहुत ही काम रीजन था, शिप्स यहाँ पे अटक जाते थे कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक भी कई बार अटके रहते थे, इसीलिए इनको हॉर्सेस को पानी में फेंकना पड़ता था, राइट। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स राइट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इक्वेटोरियल लो, अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर एसोसिएटेड विद राइजिंग एयर इन ITCZ। तो इक्वेटोरियल लो में ITC आ जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में मूव करता है विद द सन। जैसे सन की मूवमेंट होती है वैसे ही इसकी भी मूवमेंट होती है।
द राइजिंग ऑफ वार्म एयर हीटेड एट इक्वेटर कॉजेज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. लो प्रेशर एरिया है ITCZ, इसको डॉल्ड्रम्स भी बोलते हैं. एज द एयर राइजेस क्रिएट्स क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन. और इक्वेटर पे आफ्टरनून पे प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट एवरीडे होती ही होती है. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है. सेकेंड क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई. सब ट्रॉपिकल हाई वाली बेल्ट कौन सी है? हाई प्रेशर बेल्ट है एसोसिएटेड विद सिंकिंग एयर ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड्स. तो हॉर्स लैटिट्यूड पे 30 डिग्री पे क्या होता है? एयर यहाँ पे सिंक करती है. ठीक है, दोनों साइडों पे आती है, एयर सिंक करती है हॉर्स लैटिट्यूड पे. अब देखो यहाँ पे एयर हॉर्स लैटिट्यूड पे क्या है? सिंक कर रही है. ITCZ से ऊपर उठती है इक्वेटर पे और यहाँ पे आकर एयर सिंक कर रही है. ठीक है, इधर पोलर रीजन से भी जो पोलर है 60 डिग्री नॉर्थ से एयर जो है राइज करती है और यहाँ पे आकर सिंक कर रही है. तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी सिंक कर रही है और जो प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स है ये भी सिंक कर रही है. इसीलिए यहाँ पे काम कंडीशंस होती है क्योंकि एयर सिंक करती है हॉर्स लैटिट्यूड पे. तो एट द सब ट्रॉपिक्स एयर कूल्स एंड डिसेंड्स क्रिएटिंग एरिया ऑफ हाई प्रेशर विद क्लियर स्काइज. अब एयर सिंक कर रही है, डिसेंड कर रही है तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा. हाई प्रेशर एरिया में कुछ ज़्यादा बारिश वगैरह तो होती नहीं है तो साफ मौसम रहता है. बारिश जो है ना के बराबर होती है इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई भी बोलते हैं. डिसेंडिंग एयर जो है वार्म एंड ड्राई होती है तो इसीलिए ये जो सब ट्रॉपिकल हाई वाला एरिया होता है ना यहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट्स वगैरह है. वर्ल्ड के ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो इन्हीं रीजन्स में पाए जाते हैं. सब पोलर लो की बात करें तो सब पोलर लो क्या है? ये लो प्रेशर की बेल्ट है एसोसिएटेड विद पोलर फ्रंट. पोलर हाई हाई प्रेशर बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एयर भी डेंस होती है यहाँ पे पोलर रीजन्स में पोलर हाई पे. तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट स्टेटमेंट्स है. तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स क्या होता है? आइसोथर्म्स मैप्स पे वो लाइंस होती है जो सेम टेम्परेचर वाले एरियाज को ज्वाइन करती है, उनको बोलते हैं आइसोथर्म्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड शार्पली इक्वेटरवर्ड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग विंटर. सेकेंड क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर ग्रेटर इन समर देन इन विंटर. इन द सेकेंड वाली स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी सही थी. सेकेंड वाली स्टेटमेंट में क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है. तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वो विंटर्स में ज़्यादा होता है, समर्स में कम होता है. तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर ग्रेटर इन विंटर देन इन समर, राइट. तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है. तो वन ओनली आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल. अब ये तो जो फिनोमेना दे रखा है ना ये रिगार्डिंग सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका दे रखा है. अफ्रीका का सहेल रीजन कौन सा है? ये जो पिंक में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सहारा डेजर्ट के बिल्कुल नीचे. मॉरिटानिया हो गया, माली, नाइजर, थोड़ा सा नाइजीरिया वाला रीजन भी आ जाता है इसमें, चैड, सूडान, इरिट्रिया वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाता है. ये क्या है कंट्रीज? ये सहेल रीजन है अफ्रीका का, राइट. तो सहेल रीजन में जो ड्रॉट होता है उसके रीजंस क्या है? तो इनमें से हमने बताना है कौन कौन से रीजन है. फर्स्ट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर. अब देखो ये जो सहेल रीजन है ना, सहेल रीजन के ऊपर अगर हम सहारा डेजर्ट में देखेंगे तो यहाँ से क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके नीचे आ जाती है इक्वेटर. इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच पड़ता है सहेल रीजन. तो इस रीजन में क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स इक्वेटर की तरफ मूव करती है. हाई प्रेशर बेल्ट्स होती है तो कोई बारिश वगैरह तो होएगी नहीं, तो ड्रॉट्स आएंगे ही आएंगे. सी सरफेस टेम्परेचर लो होता है. अब देखो नॉर्थ एटलांटिक ईस्टर्न में सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है. यहाँ पे एटलांटिक ओशन है तो जो ईस्टर्न नॉर्थ एटलांटिक है, एटलांटिक का नॉर्थ नदरन पार्ट पे, ये तो सेंट्रल पार्ट हो गया ना, नदरन पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ईस्टर्न नॉर्थ एटलांटिक जो है वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाता है. यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाता. तो जो विंड्स होगी वो क्या? हाई टू लो मूव करेगी. तो यहाँ पे क्लियर वेदर रहेगा, कोई बारिश नहीं होएगी तो ड्रॉट आएंगे ही आएंगे. एक्सपेंशन ऑफ सर्कमपोलर वेस्टर्ली वॉर्टेक्स. तो यहाँ पे वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती है. जो वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती है वो कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट चलती है. इट मीन्स कॉन्टिनेंट से सी की तरफ चलेगी, कॉन्टिनेंट से सी की तरफ एयर चलेगी तो वो क्या होगी? ड्राई विंड्स होगी. ड्राई विंड्स होगी तो बारिश होगी ही नहीं, बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट्स आएंगे ही आएंगे. तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, 1, 2 एंड 3.
3, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है. नेक्स्ट, इन द हेडलेस सेल राइजिंग ईयर इज फाउंड इन, ये देखो ये रहा हेडलेस सेल, यहाँ पे इक्वेटर आ गया, यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ वाला, ठीक है. तो इसके बीच में जो मूवमेंट हो रही हवा की, इसको क्या बोलते हैं, हेडलेस सेल बोलते हैं. तो हेडलेस सेल में क्या है, जो हवा राइज हो रही है वो कहाँ से विंड्स राइज कर रही है, इक्वेटर पे. इक्वेटर पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसलिए यहाँ पे जो है एयर वो राइज कर रही है, और दूसरी तरफ डिसेंट कहाँ पे कर रही है, सिंक कर रही है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, ठीक है. यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड है, वहाँ पे वो सिंक कर रही है. तो राइज कहाँ पे हो रही है, इक्वेटर पे. इक्वेटर को और क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें यही पूछा गया है, इन द हेडलेस सेल राइजिंग एयर इज फाउंड. तो एयर राइज कहाँ पे करती है, इक्वेटर से राइज करती है, जिसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग लैटिट्यूड्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट, डॉल्ड्रम्स. डॉल्ड्रम्स क्या है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होती है. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है. सेकंड, हॉर्स लैटिट्यूड 25. हॉर्स लैटिट्यूड यूजली 30 के आसपास होते हैं, तो 25 to 35 नॉर्थ साउथ हो जाएगा. तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है. सब पोलर लो, जो सब पोलर लो वाली होती है ना, ये 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में होती है. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है. पोलर हाई पोल्स पे होता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है. तो सी आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग जोनल प्रेशर बेल्ट्स. प्रेशर बेल्ट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्लियर दे नहीं रखा, वैसे साथ में होना चाहिए था इक्वेटर टू पोल्स की तरफ जो है वो करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो सबसे पहले आ जाएगा इक्वेटर पे इक्वेटोरियल लो वाला एरिया, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल लो के ऊपर आ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर आ जाएगा सब पोलर वाला एरिया, और लास्ट में आ जाएंगे पोलर हाई जो कि पोल्स पे लाई करते हैं. तो आंसर आ जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हैज ए टेंडेंसी. जो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस आता है, कहीं पे हाई प्रेशर है कहीं पे लो प्रेशर है. अब जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, किसी जगह पे हाई प्रेशर है किसी जगह पे लो प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर की मूवमेंट होती है. फॉर द मास मूवमेंट ऑफ एयर, प्रेशर ग्रेडियंट जो प्रेशर डिफरेंस होता है उससे एयर की मूवमेंट होती है. तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट, अ लाइन ऑन वेदर मैप ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर. इक्वल प्रेशर की जो प्लेसेस को ज्वाइन करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार. आइसोथर्म क्या होता है, थर्म से पता चल रहा है, सेम टेम्परेचर वाली लाइन्स जो होती है, सेम टेम्परेचर को जो ज्वाइन करती है आइसोथर्म. आइसोहाइट क्या होता है, आइसोहाइट होता है जो सेम रेनफॉल वाली लाइन्स को ज्वाइन करती है. आइसोहेल होता है सेम सनशाइन वाली लाइन्स को जो ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं आइसोहेल. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विंड्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नॉट करेक्ट. विंड्स ब्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स ब्लो करती है लो प्रेशर के आसपास, जो लो प्रेशर के आसपास विंड्स की मूवमेंट होती है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज. राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होती है. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सी हमारी यहाँ पे रॉन्ग है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल मूवमेंट. फ्रिक्शनल मूवमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल मूवमेंट होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होती है. ठीक है, जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, ये दोनों आपस में टकराएंगे, मूव कर रहे हैं दोनों ब्लॉक्स, या एक ब्लॉक इसके साथ टकरा के मूव कर रहा है, तो ये क्या है, इन दोनों में फ्रिक्शन जनरेट हो रही है. तो यहाँ पे हम रिगार्डिंग अर्थ एंड एयर बताना है. तो रिगार्डिंग अर्थ एंड एयर फ्रिक्शनल मूवमेंट क्या है, व्हेनेवर एयर मूव्स रिलेटिव टू अर्थ सरफेस, हवा अर्थ के सरफेस के साथ मूव कर रही है. फ्रिक्शनल ड्रैग टेंड्स टू स्लो द एयर, एयर अर्थ के सरफेस के साथ मूव कर रही है तो एयर की स्पीड कम होगी एक तो, दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज होगी. जैसे ही सरफेस जो है बेंड होएगा अर्थ का, वैसे ही एयर की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, एयर की जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी. तो ऑप्शन ई आ जाएगा यहाँ पे आंसर. एटमोस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन अर्थ सर्फेस इज ड्यू टू, अर्थ के सर्फेस पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है वो क्यों जनरेट होता है, वो होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जनरेट होता है. नेक्स्ट, डॉल्ड्रम्स इज अ, डॉल्ड्रम क्या है,
डॉल्ड्रम ट्रॉपिकल विंड बेल्ट है। एटमोसफेयर एयर इज हेल्ड टू दी अर्थ बाय, एटमोसफेयर एयर जो चलती है अर्थ के ऊपर, क्यों चलती है? ग्रेविटी की वजह से चलती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।